हेलो फ्रेंड्स, श्री असम। तो आज के व्लॉग में हम लोग आज घूमने जा रहे हैं रंगसापारा। और देखो मेरा इतना सुंदर हेयर स्टाइल डन बाय हर। तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं रंगसापारा, ऐसे जाएंगे हम लोग मुंह छुपा के जाएंगे तीन तीन एक ही बाइक में बैठ के। आज कुछ तूफानी करते है छोटा सा गार्डन रंगसापारा का। कुछ भी देखने लायक चीज नहीं है इधर। आई थिंक हम लोग तो सीजन आए हैं इसी ना? अगर हम लोग सीजन के टाइम में आते तो क्या थी कुछ ना कुछ देखने के लिए, स्पेशली क्रिसमस एंड न्यू ईयर में। लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली खाली है। तो अभी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। इधर यहाँ पे एक नर्सरी है, मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। लेकिन उसके अंदर जाने के लिए भी हमको 10 रुपये देना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाई लोगों ने इतना हाइप मचा के रखा हुआ है इस जगह के बारे में, बट इट्स जस्ट ए सिंपल नॉर्मल एंड क्लीन विलेज। वेलकम टू बैम्बू पार्क। हम लोग उधर से आए इधर। ये पूरा इलाका सिर्फ और सिर्फ बैठने के लिए ही बना हुआ है। पैसा फंसा हुआ है 100 रुपीज फंसा हुआ है। जुजुबी, ये है टेंगी जुजुबी और ट्रेडिशनल नेकलेसेस, क्या बोलते हैं इसको, रिकुतो रिकुतो एंड इसको थैंक यू। हाय लिटिल
Good boy. अभी मैं खाने जा रही हूँ टेंगी जुजुबी। जुजुबी मतलब बगोरी। कौन सा भाषा? जुजुबी अंग्रेजी में बोलते हैं, बगोरी तो हमें आमार लोकल लैंग्वेज को। रुको रुको निकला ही नहीं। It's just crushed jujube with gur. With gur ta ki kuchh maple syrup. Tree house. Usha bhai na. To har jagah pe aapko 10 rupaye pay karna padega. अभी हम लोग बाखरागोटी में आए हैं, तो ये हमारे एरिया में सबसे पॉपुलर जगह है खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नेपाली खाना मिलता है, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। और फिलहाल हम आए हैं था मोमोस, तो यहाँ पे सिर्फ आपको मोमो ही मिलेंगे, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमो मिलेंगे आपको, चीज़ मोमो, नॉर्मल लाइक चिकन मोमो, वेज मोमो या फिर फ्राइड मोमो। घर पहुँच चुकी हूँ हम आज रंगसापारा गए थे, तो वो जगह अच्छा ही है, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन हमारा टाइमिंग अच्छा नहीं था। अगर रंगसापारा जाना है तो लाइक क्रिसमस या फिर न्यू ईयर तब बहुत अच्छा डेकोरेशन वगैरह होता है, तो तब बहुत अच्छा लगता है रंगसापारा, लेकिन अभी तो सीज़न भी नहीं है, ऑफ सीज़न चल रहा है, तो इसीलिए इतना वो अच्छा नहीं लग रहा था, जगह पूरा खाली खाली लग रहा था। दिखने के लिए जो चीज़ें थे उधर नर्सरीज या फिर कुछ सेल्फी पॉइंट एंड ऑल, तो वहाँ पे भी लाइक एंट्री फीस लगता है, सब एंट्री फीस 10 रुपीज़ होता है, इवन पार्किंग का भी फी लगता है उधर, वो भी 10 रुपीज़ है। तो अगर आपको जाना है तो आप जाइए, इंजॉय करें, लेकिन मेरे ख्याल से क्रिसमस एंड न्यू ईयर में ज़्यादा अच्छा होता है वो सब जगह। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय। Never song and love yourself, love you.